मैं खुशी हूँ, आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। लूट के आरोप में हुए गिरफ्तार तो कहने लगा कि छात्र कहने लगा कि स्कूल फीस के लिए ऐसा सब चीजें किया। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, कहां से आ रहा है, इसके ऊपर नजर डालते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक साल हो गया हमारे घर में जो बच्चे हैं वो अभी तक स्कूल जाने लगे नहीं है, उस दौरान ही उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो वो फ्री में क्लासेस नहीं है, उनको फिर भी एवरी मंथ घर पे बैठ के क्लासेस करने के बाद भी अपना इंटरनेट के पैकेज डलवाने के बाद भी टीचर्स उनको टाइम देती है, उनको ऑनलाइन क्लास देती है, उसके लिए उनको फीस देनी जरूरी हो जाती है। इस दौरान फीस का तो ये जो मामला है आप लोग सब लोग जानते ही होंगे, पर फीस के मामले को लेके एक बड़ा अपराध हुआ है। चोरों ने लूटा है एक कैश मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजर को, जो कि कैश संभालते हैं, जिनका नाम है सचिन शर्मा। सचिन शर्मा ने ये चीज आरोप लगाया है कि चार लड़का लोग आए और दोपहर को जब मैं कंपनी का कैश और चेक में जमा करवाने के लिए बैंक जा रहा था, उस दौरान ही उसके पास चार लड़का लोग आए और बंदूक की नोक पे उससे 5,35,000 रुपया जब्त कर लिया। उस दौरान उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद सीसीटीवी कैमरा में सब चीजें खंगालने के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बोला जा रहा है कि एक्चुअली में चौथा लड़का जो है वो अभी फरार है, और जब लड़के से पूछा गया कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया तो उसने ये चीज बताया कि मेरे पापा एक मिल में काम करते हैं और उस कंपनी को लॉस हुआ, उन्होंने उनका वेतन जो है वो कम कर दिया, तो मेरी जो स्कूल फीस है अगर उसको भरेंगे तो घर नहीं चलेगा और अगर घर चलाएंगे तो स्कूल फीस नहीं होगी, इसलिए तंग आके कि मुझे पढ़ना है इसलिए मैंने ये बड़ा कदम उठाया है। हालांकि अभी उस लड़की का क्या डिसीजन होगा, क्या उसको गुनेगार मान के उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा या उसको छोड़ दिया जाएगा, ये तो कंपनी के ऊपर ही डिपेंड है। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।